टूटी एक पत्ती किसे टान नालों, वना वना चू रोनिया बोल पईया, रोइया चूरिया ते छन्ने विलक उठे, बेले बेले चू दोनिया बोल पईया। इको वाज मेरी नहीं वाज इको वाज वाज चू होनिया बोल पईया। लखां वाजां दी इक आवाज होई, इको एक सुनेड़ा देन लगी, रही हथ दे विच हमेल साड़ी, सुते फूल साड़े सुती रही सगी। इस होनी नू की आखिए वे जेड़ी होनी हयातियां नाल तगी, मेरे रांझणा वे मेरे महिवाला वे मेरे पुन्नू आके ही कलम वगी। जे को लेना ही मेरा सुनेड़ा वे मेरा लई सुनेड़ा आ टोला, पुठी कलम नू पकड़ के कलम सिद्धी देवी उस दे हथ फड़ा टोला। बोले कोई शरीयत जे आन के ते देवी उस दी शरा वटा टोला, रब फेर भी करे जे उजर कोई बदल दई तू अदी रजा टोला। एक दफा एक उर्दू मुशायरे पर लोग शायर से ऑटोग्राफ ले रहे थे। लोग कुछ मुंतशिर हुए तो मैंने हंसकर हाथ की हथेली आगे कर दी और कहा, ऑटोग्राफ? साहिर ने हाथ में पकड़े पेन की स्याही अपने अंगूठे पर लगाकर वो अंगूठा मेरी हथेली पर लगा दिया, जैसे मेरी हथेली के कागज पर दस्तखत कर दिए। उस मेरी कागज की क्या इबारत थी जिसके ऊपर उसने दस्तखत की? ये सब हवाओं के हवाले हैं। ये इबारत ना कभी उसने पढ़ी ना जिंदगी ने, इसलिए कह सकती हूं साहिर एक ख्याल था, हवा में चमकता, मेरे अपने ही ख्यालों का एक जादू। मुसन्निफ की अपनी जिंदगी के हादसे नॉवलों कहानियों के किरदारों में हमेशा दाखिल होते हैं, सीने से उठते हैं, कागजों पर जाकर बिखरते हैं। लेकिन मेरे नॉवल यात्री की किरदार सुंदरा इसके बिल्कुल बरक्स तजुर्बा है। ये कागजात से उठकर मेरे सीने में दाखिल हो रही थी और अचानक महसूस हुआ यकबार की जैसे घुप अंधेरे में एकदम से चराग जल उठे कि ये सुंदरा मैं थी। मैं को मैंने शऊरी तौर पर सुंदरा में दाखिल नहीं किया था, इसलिए कई साल तक उसको पहचान नहीं सकी थी। ये अपना वजूद मुझे अंदर से खुरचती थी, दिल की तहों को हाथ डालती थी, तब भी पहचान में ना आती थी। लेकिन जब पहचानी गई तो अपनी हर एक सोच से पहचानी गई। सुंदरा जब मंदिर में जाकर शिव पार्वती के पांव में फूलों की झोली डालती है कि वो जब शिव पार्वती के पांव में सजदा करे तो फूलों के ढेर के नीचे से बाजू गुजार कर मूर्तियों के पास खड़े अपने महबूब के पांव को भी हथेली से छू ले और उसकी हथेली किसी की नजर में ना आए, महसूस हुआ ये मैं हूं जो बरसा बरस एक चेहरे को यूं तसव्वुर में लाती रही थी कि हर्फों के हर्फ फूलों के ढेरों की तरह लगा दिए थे और जिसके नीचे से बाजू बढ़ाकर किसी को इस तरह छू लेना चाहती थी जो ऊपर से किसी देखने वाले को दिखाई ना दे। सुंदरा कितना अरसा चुपचाप फूल चुनती रही और सबसे चोरी अपने महबूब के पांव का लम्स लेती रही। मैं साला साल नज्मों के हुरूफ जोड़ती रही और चुपचाप अपने महबूब के वजूद को छूती रही।
सुंदरा का महबूब जीता जागता भी पत्थर की मूर्ति जैसा था, जिसको सुंदरा के दिल की आंच नहीं पहुंचती थी। और मैं भी साला साल सुंदरा वाली जगह पर खड़ी रही थी, मेरे दिल की आंच भी कहीं नहीं पहुंचती थी, एक पत्थर जैसी खामोशी से टकराती थी और जलती बुझती फिर मेरे पास ही लौट आती थी। सुंदरा गले में उरूसी लिबास डाले और नाक में सोने की नथ डाले जब मंदिर में अपने महबूब को आखिरी सलाम करने आती है, कुछ आंसू छलक कर उसकी नथ की तार में अटक जाते हैं, जैसे नथ की आंखों में आंसू भर आए हों। और ये सारी की सारी मैं थी, मेरी हर अंगूठी हर छल्ले की आंखों में इसी तरह आंसू भर भर आते थे। मुझसे अब मेरी मोहब्बत के फसाने ना कहो, मुझसे अब मेरी मोहब्बत के फसाने ना कहो, मुझको कहने दो कि मैंने उन्हें चाहा ही नहीं। और वो मस्त निगाहें जो मुझे भूल गईं, मैंने उन मस्त निगाहों को सराहा ही नहीं। मुझको कहने दो कि मैं आज भी जी सकता हूँ, इश्क नाकाम सही जिंदगी नाकाम नहीं। उनको अपनाने की ख्वाहिश उनको पाने की तलब, शौके बेकार सही सही ये गम अंजाम नहीं। वही गेसू वही नजरें वही आरिज वही जिस्म, मैं जो चाहूं तो मुझे और भी मिल सकते हैं। वो कवल जिनको कभी उनके लिए खिलना था, उनकी नजरों से बहुत दूर भी खिल सकते हैं। जिंदगी में एक इस तरह का भी वक्त आया था जब अपने हर ख्याल पर मैंने अपने तखैल का जादू चढ़ते देखा था। जादू लव सिर्फ बचपन की कहानियों में कभी सुना था, लेकिन देखा एक दिन अचानक वो मेरी कोप में आ गया है और मेरे ही जिस्म की गोश्त की आड़ में पलने लग पड़ा है। ये उन दिनों की बात है जब मेरा बेटा मेरे जिस्म की उम्मीद बना। अखबारों और किताबों में कई वो हादसे पढ़े हैं कि एक होने वाली माँ के कमरे में जिस तरह की तस्वीरें हों या जिस किस्म की सूरत वो दिल में लाए, बच्चे के खदोखाल वैसे ही बन जाते हैं। और मेरे तखैल ने जैसे दुनिया से छुप कर दबे लहजे में मेरे कानों में कहा, अगर मैं साहिर का चेहरा हर वक्त अपनी यादों के सामने रखूं तो मेरे बच्चे की सूरत उसके मुशाबे हो जाएगी। जो जिंदगी में नहीं पाया था, जानती हूं ये उसी को पा लेने की करिश्मे ऐसी सही थी, खुदा की तरह पैदाइश देने की सही। जिस्म का एक आजाद फेल सिर्फ फितरी मैलानात से आजाद नहीं, गोश्त और खून की हकीकत से भी आजाद। सनक और दीवानगी के सालम में जब पैदाइश के अमल में आई, अव्वल मर्तबा उसका मुंह देखा, अपने खुदा के होने का यकीन आ गया। और बच्चे के चेहरे की नशोनुमा के साथ ये ख्याल भी नशोनुमा पाता रहा कि उसकी सूरत वाकई साहिर से मुशाबे है। खैर, दीवानगी की आखिरी चोटी पर पांव रखकर हमेशा खड़े नहीं रहा जा सकता, पांव को बैठने के लिए जमीन का कता चाहिए। इसलिए आइंदा बरसों में मैं इसका तस्करा एक परी कहानी की तरह करने लग गई। एक बार ये बात मैंने साहिर को भी बताई अपने आप पर हंसते हुए। उसके और किसी रद्दे अमल की खबर नहीं है, सिर्फ इतना मालूम है कि वो सुनकर हंस पड़ा और उसने सिर्फ इतना कहा, वेरी पुअर टेस्ट। इससे पेशतर भी एक बात वाकई हुई थी। एक रोज उसने मेरी बच्ची को गोद में बिठाकर कहा था, तुम्हें एक कहानी सुनाऊं,
और जब मेरी बच्ची कहानी सुनने के लिए तैयार हुई तो वो सुनाने लगा। एक दफा का जिक्र है